प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड में हम लोग संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे और इस अध्याय में हमने संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की विशेषताएं और संस्कृति के प्रकारों के बारे में बात की और इस अध्याय में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य और पशु में भिन्नता का जो सबसे बड़ा आधार है वह संस्कृति है। मनुष्य के पास संस्कृति है जबकि पशु के पास संस्कृति नहीं है। मनुष्य के पास संस्कृति क्यों है, इसके जवाब में आपको यह बताने के प्रयास किया कि मनुष्य कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को लेकर पैदा होता है। हालांकि जन्म की प्रक्रिया दोनों की एक जैसी होती है। जन्म के समय मनुष्य भी एक हाडमास का लोथड़ा होता है, ना तो वो समाज के प्रति सकारात्मक होता है ना नकारात्मक होता है, बल्कि समाज के प्रति उदासीन होता है। ठीक उसी प्रकार से पशु भी जन्म के समय हाडमास का लोथड़ा होता है, वो न सामाजिक और न असामाजिक होता है। फिर मनुष्य के पास संस्कृति कैसे हो गई और पशु के पास संस्कृति क्यों नहीं हो पाई, इसके जवाब में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को लेकर पैदा होता है जो विशेषताएं पशुओं में देखने को नहीं मिलती। और वो जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र हमने किया था कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क होता है, मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता होती है, मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो उनको स्वतंत्र रूप से घुमा सकता है, औजारों का, यंत्रों का, उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में एक सृजनात्मकता का, एक सृजनशीलता का, एक क्रिएटिविटी का गुण आता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। यह सबसे महत्वपूर्ण भेद है मनुष्य और पशु। इसके अतिरिक्त हमने संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं को देखा, जिसमें हस्कोबिट्स की परिभाषा देखी, अपने मेलिनोस्की की परिभाषा देखी, टायलर की परिभाषा देखी और लिंटल की परिभाषा देखी, और उन सब परिभाषाओं का निष्कर्ष हमने निकाला कि पहली बात तो मनुष्य संस्कृति के द्वारा निर्मित है, मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, धारक है, संवर्धक है। दूसरी तरफ मनुष्य स्वयं संस्कृति की उपज है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक आविष्कार है वह भाषा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमें बताया कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है, संस्कृति में सहभागिता होती है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है, संस्कृति संचयी होती है, संगठित होती है, ठीक है, जटिल होती है, परिवर्तनशील होती है, प्रत्येक संस्कृति के आचार तत्व या इथोस होते हैं, संस्कृति के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा ओबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, दो प्रकार होता है, एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति वह है जिसको देखा या छुआ जा सकता है, जो दर्शनीय है, जिसका एक मूर्त रूप है, जिसका एक भौतिक स्वरूप है, जिसका स्थूल आकार है, जिसका मापतोल संभव है, उसको पॉपबर्न ने भौतिक संस्कृति कहा। जबकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त है, अदृश्यनीय है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि जिसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है, जिसके अंदर ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, लोकाचार, धर्म, कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां, ये सारी की सारी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। जबकि भौतिक संस्कृति में मकान है, फर्नीचर है, यातायात के साधन हैं, आपके तकनीकी आविष्कार हैं, फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे भौतिक संस्कृति के गुण हैं। इतनी सारी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम संस्कृति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर के बारे में बात करेंगे। संरचना की जहां तक बात है, जब हम सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे तभी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि संरचना से तात्पर्य संपूर्णता से है, ठीक है, और संपूर्णता से तात्पर्य है कोई भी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, जिस व्यवस्था के विभिन्न अंग होते हैं, वे विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं और उस व्यवस्था को सफल रूप से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर, उसको संरचना कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको तब भी बताया था जब हम लोग सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, एक बार पुनः वो बात दोहरा देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक घड़ी है, हाथ की घड़ी है, मान लीजिए उसके अनेक पार्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग उसके कलपुर्जे होते हैं, जैसे घड़ी का एक फीता होता है, उसका डायल केस होता है, उसका शीशा होता है, उसकी छोटी सुई और बड़ी सुई होती है, उसके अंदर छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं,
वह हम घड़ी किसको कहेंगे? घड़ी वह है जो हमें समय का एहसास करवाए, जो हमें बताए कि यह समय हो गया है, समय के बारे में हमको जानकारी दे, उसको हम लोग घड़ी कहते हैं। तो किसी घड़ी के अगर कल पूजे हम अलग अलग बिखेर दें, उसका फीता अलग कर दें, डायल के सर अलग कर दें, उसकी छोटी सुई बड़ी सुई को निकाल दें, कल पूजों को हम लोग बिखेर दें, तो क्या वो घड़ी है? उसको हम लोग घड़ी नहीं कह सकते। कहते हैं कि सब चलती का नाम गाड़ी है, जो वाहन चले वो गाड़ी है, वह वाहन है, जो खड़ा है वो खटारा है। तो उस घड़ी के कल पूजे अगर हम अलग अलग बिखेर दें तो वो हमें समय का आभास नहीं करवाएगी, हम उसको कबाड़ कहेंगे, हम उसको भंगार कहेंगे, उसको हम लोग घड़ी नहीं कहेंगे। घड़ी कब होगी? जब उसके सभी अंग, उसके सभी कल पूजे व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएं और घड़ी के समय टिक टिक करते 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 हमें समय का एहसास करवाएं, तो हम कहेंगे कि यह घड़ी है। तो यह घड़ी की संरचना है, ठीक है। संरचना मतलब उसके विभिन्न कल पूजे एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य कर रहे हैं और हमें समय का एहसास करवाए, तो कहेंगे साहब यह घड़ी की संरचना। ऐसे मानव शरीर की संरचना है, सभी अंग एक दूसरे से जुड़कर, सभी अंग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते, तो कहते हैं साहब दिस इज हेल्दी बॉडी, ये मनुष्य का स्वस्थ शरीर है, क्योंकि इसकी आंखें ठीक से देख रही हैं, कान ठीक से सुन रहे हैं, हाथ पे ठीक से काम कर रहे हैं, जीवा स्वाद ले रही है, मुख से बोला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार के जो आंतरिक अंग है वो सारे अंग अपने अपने काम करें, ये मानव का शरीर है, मानव शरीर की संरचना है। इसी प्रकार से समाज की संरचना होती है, समाज के विभिन्न अंगों के अंतर्गत हमने आपको बताया था विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, वो समाज रूपी शरीर के अंग है, वे सारे के सारे अंग सामाजिक संस्थाएं सब अपना अपना काम करती रहती है, समाज का सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब ये समाज की संरचना है, दिस इज अ सोशल स्ट्रक्चर, उसको संरचना कहा जाता है। यही बात हम संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे कि साहब संस्कृति की संरचना क्या है। तो संस्कृति की संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं, ये बात हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि वो चाहे भौतिक संस्कृति चाहे अभौतिक संस्कृति है, सब संस्कृतियों के अपने अपने अंग होते हैं, भौतिक संस्कृति के अंग दिखाई देते हैं, अभौतिक संस्कृति के अंग दिखाई नहीं देते, लेकिन सब अपना अपना व्यवस्थित रूप से जुड़े हैं, सब अपने अपने काम करते रहते हैं और हम कहते हैं ये सब संस्कृति है, ठीक है। तो संस्कृति की संरचना की जहां तक बात है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामाजिक संरचना में हमने देखा था कि सामाजिक संरचना का मतलब यह है कि समाज के जो विभिन्न अंग वो एक दूसरे से बिखरे हुए नहीं है, अस्त व्यस्त नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से सुसंबद्ध है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं, तब सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृति की अपनी एक संरचना है, संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं, वो चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, सब अंग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं और समाज के संचालन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तब कहते हैं साहब ये संस्कृति है, ये संस्कृति की संरचना है, ठीक है। तो संस्कृति के जो विभिन्न अंग हैं ये अस्त व्यस्त नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, बल्कि सुसंबद्ध है, एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं, जिनके अंतर्गत रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है, तो हम कहते हैं कि साहब ये संस्कृति की संरचना है, ठीक है। संस्कृति की संरचना के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं सांस्कृतिक तंत्र, एलिमेंट ऑफ कल्चर सांस्कृतिक तंत्र, दूसरे होते हैं सांस्कृतिक संकुल या संस्कृति के संकुल, संरचना का अगला है सांस्कृतिक प्रतिमा। और ये होता है संस्कृति क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र। जिसका उल्लेख सर्वप्रथम विजलर ने किया था। संस्कृति की संरचना के अंतर्गत ये संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। सबसे पहला अंग है सांस्कृतिक तत्व, एलिमेंट ऑफ कल्चर।
संस्कृति की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो अविभाज्य है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, दैट इज एलिमेंट ऑफ कल्चर, उसको सांस्कृतिक तत्व या संस्कृति का तत्व। संस्कृति की सबसे छोटी से छोटी इकाई, अविभाजित इकाई, जिसका और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। अगर हम लोग मनुष्य शरीर के टुकड़े टुकड़े करें जाए, जो अंतिम हिस्सा जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, दैट इज सेल, उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कृति का सबसे छोटे से छोटा जो अविभाजित हिस्सा है, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। इन सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने बताया ना कि मानव शरीर का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा संस्कृति है, सॉरी कोशिका है, सेल है, उसी प्रकार से संस्कृति का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा सांस्कृतिक तत्व, एलिमेंट ऑफ कल्चर। उदाहरण के तौर पर कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी संस्कृति का एक हिस्सा है, भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति है, ठीक है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो कुर्सी, या जिसको हम लोग चेयर कहते हैं, उसके जो चार पैर हैं, पाए जिसको कहते हैं, वे सांस्कृतिक तत्व है। उसका बैठने का जो प्लेटफॉर्म है वो सांस्कृतिक तत्व है। उसका सहारा लेने का जो पार्ट है वो सांस्कृतिक तत्व है। उसकी जो कीले हैं जिनके माध्यम से एक बढ़ई या कारपेंटर उनको एक दूसरे को व्यवस्थित रूप से जोड़ता है, बैठने लायक बनाता है, जिसको हम लोग कुर्सी कहते हैं, तो वो कील उस कुर्सी नामक संस्कृति का छोटे से छोटा हिस्सा है। तो इसके जो चार पैर है, बैठने का प्लेटफॉर्म, इसे सहारा लेने का हिस्सा है, इसकी जो कील है, ये कुर्सी नामक संस्कृति के विभिन्न तत्व है, जो कि भौतिक संस्कृति। इसी प्रकार से अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत भी हम देखें तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत भी उसके जो विभिन्न तत्व होते हैं, और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न तत्व क्या हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि कोई भी विचार है, मनुष्य के मस्तिष्क में कोई भी विचार आता है वो किसी संस्कृति का हिस्सा है, भौतिक संस्कृति का, ठीक है। कोई प्रतीक है, कोई निशानी है, कोई विश्वास है, ये सारे के सारे अभौतिक संस्कृति के तत्व है, जिनसे मिलकर अभौतिक संस्कृति का निर्माण होता है। हर्षकोविट ने कहा कि सांस्कृतिक तत्व एक संस्कृति विशेष में सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई है। जैसे हमने कहा कि मानव शरीर का सबसे छोटा से छोटा अविभाजित हिस्सा कोशिका है। हर्षकोविट का कहना है कि सांस्कृतिक तत्व एक संस्कृति विशेष में सबसे छोटी और जिसको पहचाना जा सके, पहचाने जाने वाली जो है, सबसे छोटी पहचाने जा सकने वाली एक इकाई है, जिसका और अधिक हिस्सा नहीं किया जा सकता, दैट इज एलिमेंट ऑफ कल्चर, वो संस्कृति का हिस्सा है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हमने आपको बताया कि कुर्सी के विभिन्न पार्ट हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास किया कि जो हमारे विश्वास है, प्रतीक है, ठीक है, ये सारे के सारे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उसका हिस्सा है। संस्कृति की संरचना के अंतर्गत जो दूसरा उसका हिस्सा है वो है सांस्कृतिक संकुल, कॉम्प्लेक्स। अनेक सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। अनेक सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक तत्व तो सबसे छोटे से छोटी इकाई होगी जिसको पहचाना जा सके, जो कि अविभाजित है और जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो अनेक सांस्कृतिक तत्व मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसको सांस्कृतिक संकुल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर फुटबॉल का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है। फुटबॉल का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है जिसके अंतर्गत फुटबॉल एक सांस्कृतिक तत्व है, भौतिक संस्कृति का तत्व है। प्रत्येक खिलाड़ी एक सांस्कृतिक तत्व है, भौतिक संस्कृति का तत्व है, ठीक है। उसी प्रकार से खेल की भावना, खेल के नियम, ठीक है, खेल के प्रति ज्ञान, खेल के प्रति दक्षता, हार और जीत की भावना, खेल की भावना, ये तमाम फुटबॉल के खेल के अभौतिक संस्कृति के तत्व है। फुटबॉल का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है। हमने आपको बताया कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी एक भौतिक संस्कृति का तत्व है, फुटबॉल भौतिक संस्कृति का तत्व है, ठीक। इसी प्रकार से खेल की भावना है, दक्षता है, खेल के नियम है, हार जीत की भावना है, ये सारे के सारे अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं। इस प्रकार से फुटबॉल के खेल में कॉम्प्लेक्स होता है। अगला जो हिस्सा है संरचना का, सांस्कृतिक प्रतिमा।
अनेक सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक संकुल मिलकर एक सांस्कृतिक प्रतिमान या कल्चर पैटर्न का निर्माण करते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से समझा सकते हैं कि विवाह है एक सांस्कृतिक प्रतिमान है, मैरिज इज ए कल्चर पैटर्न, विवाह एक सांस्कृतिक प्रतिमान है, ठीक है। और इसके अंतर्गत दुल्हा दुल्हन, ठीक है, मिठाई साज सज्जा, ये सब क्या है, ये उस प्रतिमान के विभिन्न तत्व हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि विवाह एक प्रतिमान है और इस विवाह नामक प्रतिमान में जो है दुल्हा दुल्हन, वहां टेंट की कुर्सियां, वहां मिठाई, वो साज सज्जा जैसे बल्लभ आदि से मिलकर जो रोशनी के जो जो भी बल्लभ आदि है उन सब से मिल, ये सारे के सारे विवाह नामक प्रतिमान के भौतिक संस्कृति के अंग जो कि दिखाई दे रहे हैं। दूल्हा हमको दिखाई दे रहा है, दुल्हन हमको दिखाई दे रही है, मिठाई हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, वो लाइट के लिए जो बल्ब लगा रखे वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वो विवाह नामक सांस्कृतिक प्रतिमान के भौतिक संस्कृति के विभिन्न सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश व साज सज्जा एक संकुल है, विभिन्न छोटे छोटे बल्बों से मिलकर जो रोशनी होती है, जो साज सज्जा होती है, वो उसका उन सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर प्रतिमान बन गया, भौतिक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर भौतिक सांस्कृतिक प्रतिमान बन गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न तत्वों से मिलकर भोजन संकुल बनता है, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके जो सब्जी है, मिठाई है, चपाती है, पूरी है, जो कुछ भी मिठाई है खाने में, भोजन में जो जो कुछ उपलब्ध है, वे सब मिलकर भोजन नामक संकुल का निर्माण करते हैं। और भौतिक संस्कृति में अगर हम देखा जाए तो विवाह के अंतर्गत क्या क्या होता है, मंत्र होते हैं जिसके माध्यम से एक पंडित या ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करवाता है और दूल्हा दुल्हन को विभिन्न शपथ दिलवाते हैं, पति पत्नी के रूप में विश्वास आप रहेंगे, ठीक है। मंत्र है, आतिथ्य है, मेहमानों का स्वागत है, ये अभौतिक संस्कृति के प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में होते हैं या बैठे हुए होते हैं, जो कि हमारी आदत में होते हैं और हमारे द्वारा प्रकट होते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, हमारे मस्तिष्क में विराजे हुए होते हैं, जो हमारी आदत में शुमार होते हैं और जो हमारे द्वारा प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल मिलकर सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि विवाह एक सांस्कृतिक प्रतिमान है जिसके अंतर्गत दूल्हा दुल्हन मिठाई बल्ब आदि भौतिक तत्व है, भौतिक संस्कृति के तत्व है और प्रकाश और साज सज्जा मिलकर संकुल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न तत्वों से मिलकर भोजन संकुल का निर्माण करता है। अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों की अगर हम बात करें तो मंत्रोच्चारण है, मंत्र है, आतिथ्य की भावना है, ये सारे के सारे जो है अभौतिक संस्कृति के प्रतिमान होते हैं और ये सब जो है हमारे मस्तिष्क में होते हैं और हमारे द्वारा प्रकट होते हैं। ये संस्कृति के संरचना के अंतर्गत विभिन्न उसके पक्ष हैं। एक है सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और इस सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्र या कल्चर एरिया की सबसे अवधारणा का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो विजलन ने, विजलन ने सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्र या संस्कृतिक क्षेत्र के उदाहरण के बारे में बताया। विजलन का कहना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है, सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है जिसमें काफी संख्या में एक सी संस्कृति वाले बहुत कुछ स्वतंत्र जनजातियां निवास करती हैं। हर्षकोविट्स के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक भूखंड है, ठीक है, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समान संस्कृति के लोग रहते हैं, जिनमें समान सांस्कृतिक प्रतिमान है, उन सबसे मिलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण होता है, ऐसा विजलन का मानना है और हर्षकोविट्स का मानना है। कहने का तात्पर्य ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर एक सी संस्कृति की जनजाति, हर्षकोविट्स ने कहा कि जहां पर एक सी संस्कृति की जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है, और यही समझो कि जहां पर एक सी सांस्कृतिक तत्व है, सांस्कृतिक संकुल है और एक ही तरह के सांस्कृतिक प्रतिमान है, उसको हम लोग एक सांस्कृतिक क्षेत्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये संस्कृति की संरचना थी, यानी कि ये सारे के सारे इन सबसे मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा कि समाज के अंतर्गत जो विभिन्न इकाइयां वो कोई बिखरी हुई अस्त व्यवस्था नहीं है, बल्कि सुव्यवस्थित और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक ढंग से
जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जो संस्कृति के विभिन्न अंग हो, चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, सभी के अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं और जिनके अंतर्गत रहकर मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है, आत्मसात करता है, अपने स्व का विकास करता है और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्कृति के अंतर्गत ही रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये संस्कृति की अवधारणा थी। थैंक यू।